हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा आप सबको। और हम लोग सीधा मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे ना प्रोग्राम था बाल कीर्तन, और इस्कॉन कम्युनिटी जो है उन लोगों की तरफ से, ये जो स्कूल में होता है ना सन मार्क स्कूल, वहाँ पे हम लोग सुबह जल्दी 9 AM to 9 PM तक प्रोग्राम था। नॉन स्टॉप कीर्तन था बच्चों का, तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। तो मैं बच्चों को लेके पहुँच गई थी, और सुबह सुबह था तो मैं ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं शुरू कर पाई, और ये लोग थोड़ा कुर्ता वुर्ता पहन के पहुँच गए हैं। और यहाँ पे मैं यही बता रही थी ना कि मेरे पास सूट और साड़ी पहनने के ऑप्शन नहीं थे, कुछ साइज़ का ही नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा ऐसा मिक्स एंड मैच की हूँ। और आवाज़ बहुत स्लो थी, यहाँ पे इतनी शांति थी ना, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ ठीक से नहीं आई। और यहाँ डेकोरेशन पे बहुत अच्छा है, ये देखिए यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा है ना। चलो ये देखो, चप्पल निकालने के लिए कितनी सारी चप्पल है, बच्चे बहुत आए हैं। तू ये किसी इंडियन का स्कूल है, वो प्रोग्राम कराते हैं। ये देखो सुनाई देगी। चलिए अंदर चलते हैं, आप आवाज किसी की नहीं आएगी। और यहाँ पे ना झांकी लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा, मतलब कृष्ण के जन्म से लेके और पूरा जब तक गीता का उपदेश दिया है तब तक बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ थी। जितना भी कैप्चर किया है मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली पूरी क्लिप 3 मिनट की है, और बहुत ही अच्छा झांकी देखो ये जगन्नाथ जी की। तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे भी होके ले रही थी क्योंकि और लोग भी फ़ोटो ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए, ये राम और लक्ष्मण का भी है, और बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई थी। और उन्होंने बताया कि कुछ कुछ बच्चों ने बनाया है, कुछ लोग कुछ माताओं ने मिलके बनाया है। मैंने लास्ट में पूछा उन लोगों से। और ये देखिए जहाँ पे गीता उपदेश दी गई थी, यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र का भी सीन बनाया गया है। बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ मुझे ना, और बच्चे आके बड़े ध्यान से देर देर तक ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो आप पूरा देखिएगा ये वाला जितना भी मैं दिखा रही हूँ, और बहुत ही आनंद आया देख के, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और अंश और आद्यांत भी खूब ध्यान से देख रहे थे, तो जो स्टोरी उन लोगों को बताई जाती है वो इसको देख के और अच्छे से सीखते हैं ऐसे।
अभी मोक्ष प्रभु जी का होगा, देखिए मोक्ष बैठे हैं यहाँ पे, देखो हेलो मोक्ष, ये देखो Moksh is going to sing another beautiful kirtan for the pleasure of Srila Prabhupada and all of you. So over to Moksh. Moksh. Start on wala dekho. Ye dekho. टीवी में ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, देखो सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, प्लीज जॉइन, प्लीज से हरे कृष्णा। देखिए छोटे काना कितना अच्छा है, तू नहीं आया इधर, अच्छा है, मतलब आजकल धूप इतनी भी तेज नहीं है, अभी थोड़ा सा ठीक है अभी। हाँ ये कितना अच्छा है, ये लकड़ी का, और बस हम लोग वहाँ से निकल आए थे जल्दी, मतलब 12 बजे तक हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि मोक्ष का ना प्रोग्राम सुबह ही जल्दी था, तो उसके बाद फिर भैया को भी ऑफिस में कुछ काम था और इनको भी, ये लोग मतलब सैटरडे को तो रहता ही थोड़ा थोड़ा काम, ऑनलाइन भी भले चले। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं करामा में, तो यहाँ पे देखिए मोक्ष को कुछ लेना था, यहाँ पे पहली बार मुझे पता चला इस तरह की शॉप है करामा बर दुबई में, बहुत कुछ है जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, और जो भी कभी मुझे पता चलता है तो मैंने कहा इसका वीडियो तो शेयर कर देती हूँ आप सबसे जो भी मुझे देख रहा है। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम के लिए ड्रेसेस चाहिए, जैसे यहीं पे जो जाते हैं इंडियन कल्चर का कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, तो ये केरला का शॉप कीपर जो है वो केरला के हैं, केरला में इनकी शॉप्स है, और डायरेक्ट फिर यहाँ पे किसी भी तरह की ज्वेलरी लेनी हो, मुझे तो लगा कि तीज करवा चौथ के लिए भी बड़ी अच्छी ज्वेलरी यहाँ पे मिल जाएगी, रेंट पे आप ले सकते हैं। तो मोक्ष प्रभु जी को कल बनना था, ये मुकुट बड़ा सुंदर सुंदर था, कल उनको बनना था नल कुबेर, तो वो उस हिसाब से ड्रेस ले रहे थे। यहाँ पे देखिए वारना
डांस कलेक्शन, अच्छा है ये स्टोर का नाम है, ये करावा में ये है और आप इसको डाल के गूगल करके आ सकते हैं जिसको चाहिए ड्रेसेस। ये मतलब जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब रेंट पे भी मिलता है और इसको ख़रीद भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और मुझे स्पेशली ये मुकुट जो फैंसी ड्रेस के लिए बच्चों का कुछ कुछ चाहिए होता है स्कूल में, चाहे कहीं भी ऐसे नवरात्र में गणपति पे और ये जो इस्कॉन में प्रोग्राम होते हैं ना, तो बहुत कुछ चाहिए होता है जो चीज़ें मिलती नहीं। हम लोग सोचते हैं इंडिया में से लाए होते या ख़रीद के लाए होते, तो बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा था। तो वही बस यहाँ पे अमृता जी और भैया ख़रीद रहे थे मोक्ष के लिए, और यहाँ पे देखिए अद्दू की मस्ती चल रही थी छोटे बेबी के साथ। तो बेबी अभी खिलाने लायक हो गया है, 7 मंथ का हो गया है, तो बस हम लोग लगे हुए थे। जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बाबू से मिलके, और खिलाते ही रहते हैं हम लोग तो उसी में खोए रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अद्दू कह रहे हैं इसकी नोज़ ही कितनी छोटी है, लेग कितना छोटा है, यही सब बोले जा रहे थे। तो अद्दू पहली बार इतने छोटे बच्चे को गोद में लिए थे, मैंने भी बाद में सोचा ये बात, लेकिन देखो कितने प्यार से लिए हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो जितनी देर में साथ में थी ना, तो लग रहा था कि इसको खूब खिला लूँ। तो ये देखिए बहुत प्यारा भी लग रहा था, नज़र ना लगे। तो बस ऐसा ही दिन रहा, और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं खाना खाने, और मैं डाइटिंग मतलब इतना लास्ट वीडियो में मैंने बोला और इसमें डाइटिंग ख़त्म हो गई। सबने कहा कि चलो खा लो एक दिन तो सब लोग के साथ खा लो, मैंने कहा नहीं आप लोग खाओ, मुझे एक्चुअली मैं भूख नहीं, मेरा वो दोपहर वाला मतलब थोड़ा सा जो खाती हूँ उसका वाला टाइम था। मैंने कहा घर पहुँच जाती तो मैं वही खा के अपना रह जाती, लेकिन यहाँ पर जब सबका खाने का प्रोग्राम बन गया क्योंकि सबको भूख लगी थी, थाली खाना था सबको, तो यहाँ पे राजमहल में हम लोग पहुँच चुके हैं। और उसके बाद होना ही क्या है, मैं भी अपना शुरू हो गई पानी पूरी, और सभी लोग पानी पूरी से स्टार्ट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए आद्यान तो ऐसा लग रहा था कि पानी पूरी वाले के पास ही घुसे जा रहे थे, मुझे तो और दो मुझे और दो। और जैसा होता है ना कि एकदम भूख लगी हुई होती है जब उस टाइम पर आप पहुँचते हो तो बस शुरू रहते हो। तो आद्यान से मैं पूछ रही थी कैसा है, तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, पानी पूरी इनको बहुत पसंद है। ये दोनों लोग ना बच्चे लोग, इनका फ्री रहता है और बड़ों का मतलब 55 ना, yes. 55 दिरहम रहता है। और ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आद्यान को तो बड़ा पसंद आया, कह रहे थे कि यहाँ पे मैं हमेशा आऊँगा। तो इस बात से अचानक से जब प्लान बन गया कि चलो सबको खाना खाना है तो यही आ जाते हैं, तो आद्यान बड़े खुश हो गए। और ये देखिए मोक्ष तो इनके फ्रेंड है, और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं इन लोगों की। तो ऐसा ही रहा आज का दिन हमारा, मज़ा आया। और थाली देख के मैं सोच रही थी कि मैं इतना खाना खाऊंगी, मतलब लगभग 20 डेज़ हो गए मैं इतना खाना तो नहीं खाई हूँ, तो मैं सोच रही थी मेरा तो थाली लो ही मत, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आज मैंने खा लिया ना सैटरडे, तो मैं सोच रही हूँ कि कल फास्ट कर लेती हूँ, लेकिन ये करना नहीं चाहिए जब आप कोई भी डाइटिंग शुरू करते हो ना। पता नहीं एकदम से अच्छा नहीं लगा कि एकदम मैं साइड में बैठी रही हूँ और सब लोग खाते रहे, सबका मन था, सबको भूख लगी थी, तो मैंने भी था वह हम मतलब ये था कि एडल्ट कोई ऐसे खाली बैठा नहीं रह सकता, अगर खाए ये भी नहीं कर सकता कि किसी के साथ किसी की थाली शेयर कर लो, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, और थाली लेना ही था तो यही था। और हम लोग आ गए हैं डे टू डे, पापा की गाड़ी इधर जा रही है, पार्किंग फुल है, जो कि मैंने पहली बार सुना कि पार्किंग फुल है। हम लोग पार्किंग में देखो जाने ही नहीं दे रहे, बैरियर लगा के रखे। मेरे दोनों शेर चल दिए हैं, ये सबसे बड़ा ट्रैफिक जोन है मुझे लग रहा है, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, करामा एरिया है। अरे वाह भाई वाह, चलो एक बात है, मौसम दुबई में बहुत ही मस्त है। ये देखिए बड़े बस, ये डबल वाली बस है, डबल डेकर, डबल डेकर इसको नहीं बोलेंगे, इसको भी एक के ऊपर एक वाला जो होता है उसमें मुझे बैठना है, इसमें भी बैठना है अभी तो। ये मस्त है देखो, डे टू डे भीड़ देखिए। तो बस कल जैसे कैरीफोर में इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें पसंद की थी, मैंने कहा बाबू चलेंगे डे टू डे वहाँ से लेंगे, तो कल से इनका था कि डे टू डे चलना है। तो मैंने कहा कि भैया को एक्चुअली छोड़ने के लिए हम लोग इधर आए थे, तो चलो डे टू डे वाला भी हो गया, खाना भी मतलब कोई होता है ना दिन बड़ा स्पेशल सा बन जाता है अपने आप ही, कुछ सोचा नहीं होता सुबह उठने पे कि ये ऐसे प्लान बनाएंगे ये करेंगे। और यहाँ तो आके मैं चकरा गई कि भाई इनको कोई टॉय दिलाना था, और डे टू डे का मतलब हर बार मैं आती हूँ यही पार्किंग का चक्कर ये वो रहता है ना हमेशा ही, कभी प्रॉपर नहीं कि सारी फैमिली यहाँ आओ, मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा इतना बड़ा है।
तो एक फ्लोर पे ही इतना सारा टॉय सेक्शन है इसमें कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक टॉय पर्टिकुलर आपको चाहिए तो किस एरिया में मिल रहा है, ये भी ढूंढने में टाइम लगेगा। और ये चीज़ों के बहुत सारे ऑप्शन थे। और यहाँ पे मैं प्राइस कहूँगी कि पूरे दुबई में ये प्राइस कोई बीट नहीं कर सकता। टॉयज बच्चे क्या होता है, तोड़ ही देते हैं तुरंत लेने के बाद, एक दो दिन खेलते हैं तोड़ेंगे या तो फिर उनका मन भर जाएगा। तो टॉयज़ बहुत महंगे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत ही सही प्राइस में यहाँ पे रियल में, तभी इतनी भीड़ होती है। हर चीज़ का भी प्राइस ना मार्केट के और जगहों, सुपरमार्केट जो भी जितने हैं, हाइपरमार्केट, उससे बहुत ही मतलब कम प्राइस है। और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए आद्यंत, ये लॉयन टाइगर, ये सब मतलब सारे ही मतलब 14-15 दिरहम का ही सारा था ये। मतलब देख के मैं एक तो शॉक में थी कि भाई मोस्टली आइटम यहाँ पे 20 दिरहम के अंदर ही सारे हैं। बहुत कुछ था लेकिन वही है, जल्दी जल्दी बस टॉय सेक्शन में मैं आई और ज़्यादा कुछ और कहीं नहीं गई क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती, तो ये वाली प्रॉब्लम तो आती है। सबसे अच्छा यहाँ मेट्रो से आ जाओ और पति देव को घर छोड़ के आओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो चिंता लगी रहती। चलो भाई घर चलें। यस। कैसा लगा, मज़ा आया? अपने फ्रेंड से भी मिले, आपका टॉय भी मिल गया, हाँ, और अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया। अजू को ये वाला रेस्टोरेंट भी बहुत पसंद है, हाँ, जब से आए थे हम लोग पहली बार तब से कह रहे थे यहाँ चलेंगे। और लास्ट वाला चीज इनको क्या पसंद है, वो जो मिलता है कुल्फी, हाँ? Yes. कुल्फी तो हमारी भी बाबू लेके खा लिए, कह रहे दे दो। तो चलिए दोस्तों ऐसा रहा सैटरडे, शाम हो गई है, शाम के अभी 4 बज गए हैं, कितने बजे 4 बज गए हैं और घर चलते हैं। बहुत नींद आ रही, इतना खा के तो वैसे नींद आती है, इतना वॉकिंग हो गया डे टू डे में, मतलब जितना भी मैं चली हूँ तो वो अच्छा हो गया। और बाकी चीज़ें तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। और मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।